नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, जीपीएफ की राशि आहरण करने के संबंध में नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप बिना कारण बताए हुए आहरण की स्थिति में हम कितने प्रतिशत जीपीएफ से राशि आहरण कर सकते हैं, यदि हम कारणों का उल्लेख करते हैं तो कितनी प्रतिशत राशि आहरित कर सकते हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनका उल्लेख करने पर हमें राशि आहरित कर जिनका उल्लेख करने पर हम जीपीएफ से राशि आहरित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के द्वारा राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्न अनुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। हम बात करें बिना कारण बताए हुए आहरण की स्थिति में हम कितने प्रतिशत राशि आहरण कर सकते हैं। आहरण प्रतिशत 10% राशि आहरण कर सकते हैं जीपीएफ की कुल राशि का, यदि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा अवधि है। यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से 15 वर्ष की सेवा कर चुका है तो वह 10% बिना कारण बताए हुए जीपीएफ से राशि आहरित कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पर है तो 30% राशि आहरण कर सकता है। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम सेवा का कोई कर्मचारी है तो वह जीपीएफ के अंतर्गत 40% राशि आहरित कर सकता है। 30 वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम है तो 50% राशि वह जीपीएफ आहरित कर सकता है। अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर यदि कोई अभिदाता है और उसकी सेवानिवृत्ति से 60 माह से कम समय है तो वह 90% राशि आहरित कर सकता है। यदि कोई कार्मिक निम्न कारणों का उल्लेख करता है तो जीपीएफ से आहरित करने का प्रतिशत निम्न अनुसार रहेगा। आहरण प्रतिशत 50% है। कारण प्रथम कारण है अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु वह राशि आहरित करना चाहता है तो यह कारण का उल्लेख करता है तो 50% राशि आहरित कर सकता है। वाहन क्रय करने के लिए 50% राशि आहरित कर सकता है। स्थायी उपभोग की वस्तुएं क्रय करना चाहता है, इसके अतिरिक्त बीमारी पर व्यय करने पर 50% राशि आहरित कर सकता है। अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए गए हैं इनके अंतर्गत 50% राशि आहरित कर सकता है, जो यह सभी कारण बताए हुए हैं 1 से 5। यदि आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम हो तक की सीमा में आहरित किया जा सकता है। वास्तविक व्यय अथवा जो जमा राशि है उसका 50% जो भी दोनों में कम हो वह आहरित किया जा सकता है। सेकेंड स्थिति होती है 75% बिना कारण बताए हुए कब हम आहरित कर सकते हैं राशि, भवन निर्माण के लिए, भूखंड क्रय के लिए, आवास क्रय, फ्लैट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण विस्तार परिवर्धन भूखंड पर भवन निर्माण। इसके अतिरिक्त अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों पुत्रियों की सगाई विवाह हेतु राशि 75% कर सकता है। अन्य कारण जो राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पर आदेशित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की गई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि की अधिकतम 75% सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर 90% आहरण स्वीकृत किया गया है। उक्त सीमा तक राशि आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। यदि 60 माह से कम सेवा है या 75% राशि आहरित कर रहा है तो वह एक से अधिक बार भी राशि आहरित कर सकता है। विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं के द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध जो भी राशि है उसके विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75% या 90% तक आहरित स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है। यदि अभिदाता कोई बार बार 75% और 90% विड्रॉल करता है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत तो उसके पिछले वर्ष में जो भी जमा राशि है वह लगभग विड्रॉल हो जाएगी। राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 में नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता की जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि रह जाएगी एवं बार बार आहरण किए जाने से अनेक बार भुगतान भी डेबिट होंगे, रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी जो विभाग एवं अभिदाता के हित में नहीं है। तो जीपीएफ की जो भी राशि आहरित करना चाहते हैं तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के अंतर्गत आप 90% 75% या 10% जो भी है वह आप आहरित कर सकते हैं। तो इनके संबंध में जीपीएफ नियम 14 के संबंध में विभाग के द्वारा ये नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं। धन्यवाद साथियों।